हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू तुमको चैनल आरके किड ऑफिशियल। तो जिते पे प्लस थ्री स्टूडेंट अछ, तो तुमको जो पे जो पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप जो अप्लाई कर, तो ये पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप अप्लाई करने को तुमको पे कि एलिजिबिलिटी डिटेल रही अच्छे, जमीक पे तो कते परसेंटेज रखिले तुम अप्लाई कर, सहित कौन कौन सब डॉक्यूमेंट्स लगे, यही पे जाना इम्पोर्टेंट अटे। सहित लास्ट डेटा के रही अच्छे, तो यहीटा पे तुमको जाना बहुत जरूरी अटे है। तो ये भिडियो पे खूब सहजरे मुझे तुमको बुझेबी, तो ये पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप जो अप्लाई करु, तो क्यों क्यों कैटेगरी पे अप्लाई करेंगे, केते परसेंटेज थिबा दरकार पे, सहित कौन कौन सब डॉक्यूमेंट्स लगे, संपूर्ण भाव में बतेबी पे। ऑलरेडी यूट्यूब अनेक गुड़े भिडियो बनई पे, कि प्रथम शेष पर्यंत देखु, तो ये वीडियो देखी सारापर आउ तुमको अन्य कौन से वीडियो देखा पड़ा ना, बिकज ये वीडियो रे ए टू जेड कौन कौन सब इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रही अच्छे, कौन कौन केते परसेंटेज दरकार है, सहित कौन कौन सब डॉक्यूमेंट्स लगे ये पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप अप्लाई करने, तो संपूर्ण भाव में ये वीडियो रे बताएबी। तो आगर पे तो समस्ते गोटे लाइक कर दियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पे एठारे जदि तुमको कहबे, तो एठारे देखरे समस्ते तो तुमको देखी पार्छ पे ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और कौन रिन्यूअल फॉर द ईयर 2024-25 है। तो यठार देख पे संपूर्ण भाव में क्यों क्यों कैटेगोरी पिला अप्लाई करेंगे पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिपटा, तो देख ये देखरे ना एप्लीकेशन फॉर पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप ऑफ एलिजिबल ST/SC OBC और ECBC एंड EBC स्टूडेंट फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल ऑलरेडी रजिस्ट्रेड फॉर द ईयर 2024-25 इज नाउ इनवाइटेड थ्रू ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल है। काइंडली रजिस्टर योर सेल्फ एंड कंप्लीट योर एप्लीकेशन विथिन दि जहाँ भी तुमको पे डेट देला, जहाँ भी तुमको टाइम लाइन दे, तो से मध्य पे तुम्हें कौन कर बोली कह पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप ST/SC OBC और SC/BC बा EBC स्टूडेंट मैंने केवल यहाँ इलिजिबल अटंती है। कौन कौन सब पे लास्ट डेटा के तुमको जन दे, देख ये पे संपूर्ण भाव में एक्टिविटीज देखी पार्छ है, रिन्यूअल एंड फ्रेस दुई अच्छे देख पे। तो यठा तुमको मन में गोटे क्वेश्चन, तो जो मैंने नुआ है कि पे आगर के स्कॉलरशिप अप्लाई करना 2024 पे फर्स्ट टाइम अप्लाई करुच, से फ्रेस करू कर अप्लाई करपर, और जो मैंने आगर पे स्कॉलरशिप अप्लाई कर पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप है, तो तुम्हें रिन्यूअल करके पिला अप्लाई करपर एप्लीकेशन टाइप रे है। तो देख एठार जब कह पे ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट, तो यही पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप पे ऑनलाइन एप्लीकेशन टा पे ऑलरेडी स्टार्ट हो सारी 28-10-2024 है। ता सहित पे पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय स्टूडेंट, तो यहाँ मैंने रख 15-12-2024 पे यार लास्ट डेटा रही अच्छे, यही डेट मध्य तुमको अप्लाई करने को पड़ है, लास्ट डेटा जाणीगल। ता सहित पे एठारे मध्य पे संपूर्ण भाव दे दि जाइए, देख ST/SC एंड MBC वेलफेयर डिपार्टमेंट दे पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप दे, मैंने प्लस थ्री स्टूडेंट पे अप्लाई करेंगे है, लास्ट डेट टू अप्लाई 15 December 2024 पे दि जाइए। तो ये पे तुमको कहबी, तो ये पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिपटा जो अप्लाई कर, तो व्यू डिटेल को जाइए कह कौन कौन सब एलिजिबिलिटी डिटेल रही अच्छे। ता आगर तो जो मैंने नुआ स्टूडेंट 2024 पढ़ु पे कि आगर यही पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप अप्लाई करना, तो तुमको फर्स्ट ऑफ ऑल पे तो तुम्हें स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल है, ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल को पे सिंपली जावाक पड़ा है, गलापर तुमको लॉगिन ऊपर क्लिक कर, लॉगिन ऊपर क्लिक कले स्टूडेंट लॉगिन थे, सी स्टूडेंट लॉगिन ऊपर क्लिक करापर पे तुमको फास्ट स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करने को पड़ो, ए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे तो तुम आधार कार्ड सहित मोबाइल फोन नंबर लिंक थी एकांत आवश्यक अटे, सहित गोटे तुम जिमेल आई डी रही कथा, तेब जे तुम्हें पे कौन ना स्कॉलरशिप अप्लाई करने, तो तुम्हें कौन जो आई डी पासवर्डटा क्रिएट कर बनई पार,
तो केमिति हिसाब से पाने तुम्हें स्कॉलरशिप अप्लाई करने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पाने यहाँ ऑलरेडी वीडियोटा बनई सारी तो तुम्हें जो ये वीडियो देखी ना तो न्यू स्टूडेंट तो सिंपली एठारे पाने से वीडियोटा मठे दे दीछे देख एठे आसूब सिंपली यहाँ टच करके तुम्हें देखी नब एवं जो मैंने पिलाने निजर आई डी पासवर्ड तुमको जना अच्छी तो से कौन से तो इजिली एप्लाय करा तो कौन कौन सब डॉक्यूमेंट्स दरकार ये पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप एप्लाय करने तो संपूर्ण भाव में पिलाने तुमको बताऊँ क्यों क्यों कैटेगरी पिलाने एप्लाय करेंगे मुझे तुमको अलरेडी पिलाने जनईदेली ता सहित केसेंटेज थी दरकार देख तो 50% है तुम्हें जी कह 50% रखीच ताल पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप इलिजिबल हेला आउ केते टंका पाइबो रे पिला माने पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप रे प्लस 3 स्टूडेंट केते टंका पाइबो 8000 टंका पाइबो हेला 8000 टंका तुम माने पाइबो किलो रेडा तो एबे कोन कोन डॉक्यूमेंट्स लागिबो सेइटा बतायबी ता आगरु पिला माने तुमे जो कॉलेज रे पढुचो ना तो सेइ कॉलेज तुमे प्लस 3 पिला माने एडमिशन कलो तो प्लस 3 जो एडमिशन ता जो कलो तो केबे प्लस 3 एडमिशन कलो तार डेट ता पिला माने एठारे पिला माने लागिबो हेला स्कॉलरशिप अप्लाई करबा पई ता डेट ता लागिबो ता सहित तुम पाने जो कॉलेज रे पढ़ु तुम आईडेंटिटी कार्ड है आईडी कार्ड है आईडी कार्ड पे तुम रजिस्ट्रेशन नंबर ही गला कि तुम रोल नंबर पे लगिपर है तुम पाने कौन कौन लगे ठे संपूर्ण भाव में बतई देखिए देख मुझको पाने स्क्रोल डाउन करके बतई दूसरी है कौन कौन तुमको लगे आउ गोटे जिनस ध्यान दिवे पाने तुमको कह तो यार फैमिली इनकम कथा जो कह तो पेरेन्ट्स और गार्डियंस फ्रॉम ऑल सोर्सेस है सेल नोट तो यठार जो कह ना 2,50,000 है 2,50,000 मध्य कम होता पाने दरकार है तो फैमिली इनकमटा जो स्टूडेंट यहाँ इलिजिबल अट एप्लाय पाने को चाहू है तो ये कौन कौन तुमको ये पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप एप्लाय करने लगे तो संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स पाने तुमको कहीदी है मन ध्यान दे कि समस्ते बुझ एठार देख पार पाने समस्ते देखिपर चार पाने पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी डिटेल डिपार्टमेंट तुमको एस टी एंड एस सी एंड एम बी सी वेलफेयर डिपार्टमेंट स्कीम तुमको स्पोर्ट मेट्रिक पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप एकेडमिक 2024-25 इयरटा फैमिली इनकमटा कहीदेली पाने परसेंटेज तुमको कैसे रोक 50% पाने तुमको कहीदेली है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन रिक्वायर कर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन लगे तुमको कह भी है ता आगर तुमको कौन डॉक्यूमेंट्स लगे आउ थे पाने कहीदे तुम्हें जो कॉलेज पढ़ु से कॉलेज आईडी कार्ड है रजिस्ट्रेशन नंबर तुम्हें जी प्लस 3 करुच तो कि प्लस 3 एडमिशन कर तार डेट पाने लगे ता सहित तुम आधार कार्ड सहित मोबाइल फोन नंबर लिंक थिबा एकांत आवश्यक अटे जदि तुम्हें न्यू स्टूडेंट है तुम्हें पाने रजिस्ट्रेशन जो तुमने चाहू है स्कॉलरशिप अप्लाई करने तो ये कौन कौन सब डॉक्यूमेंट्स लगे मुझे तुमको सिंपली बताई दूसरी है टाइम वेस्ट करें तो देख ये संपूर्ण भाव में मन ध्यान दे कि बुझ ना आधार कार्ड स्टूडेंट माने जो स्टूडेंट पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप अप्लाई करुच तो से स्टूडेंट रो आधार कार्ड एठारे लागिबो आधार कार्ड हला आधार कार्ड लागिबो ता सहित इनकम सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट्स और गार्डियंस तो जो स्टूडेंट ए स्कॉलरशिप टा अप्लाई करुच तो तांकर बापा को ही गला किमा तांकर मां को जहार भी गोटिए इनकम सर्टिफिकेट पिला माने समानकर लागिबो ता सहित कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ द स्टूडेंट तो जो स्टूडेंट ए स्कॉलरशिप अप्लाई करुच तो से स्टूडेंट कास्ट सर्टिफिकेट पाने लगे अप्लाई करने समय सहित आउ कौन कौन लगे रे सहित आउ कौन लगे ना ता सहित लगे देख कॉपी ऑफ पासबुक ऑफ बैंक अकाउंट विथ अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड ऑफ द बैंक ब्रांच बैंक ब्रांच माने तो जो स्टूडेंट पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप अप्लाई करुच तो से स्टूडेंट पाने पासबुक है पासबुक फोन पेज माने जो बैंक अकाउंट डिटेल पाने जो इनफर्मेसन देता है जमीक पाने अकाउंट नंबर हो गला आईएफएससी कोड हो गला तो सहीटा लगे माने पासबुक फोन पेजटा लगे जहाँ भी डिटेल तुमको बैंक इनफर्मेसन रही अच्छे स्टूडेंट लगे ये आगुरी कहीदे सहित पाने कौन लगे तो सहित आउ कौन लगे देख तो ये आउ तुमको लगे तो जो स्टूडेंट एटा ए पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप अप्लाई करुच तो से स्टूडेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ स्टूडेंट है से स्टूडेंट पासबुक साइज फोटोग्राफ लगे ता सहित तो जो मैंने पाने कि तुमको कि पाने प्रोब्लेम अच्छी है जमीक हैंडीकैप कितोटी स्टूडेंट रही थे पाने तो से दिव्यांग सर्टिफिकेट इन केस ऑफ तुमको देख पाने डेफिनेटली है डिफरेन्टली है
डिफरेन्टली एबल स्टूडेंट माने जो स्टूडेंट दिव्यांग जो माने किसी पिला हैंडिकेप पीडब्ल्यूडी कैटेगोरी जो माने हला तो सेमानको दिव्यांग सर्टिफिकेट लागि परिबो हला ता सहित एठारे जदि कहिबि आउ कोन कोन लागि परे पिला माने आउ तुमन कठे लागि परे देखो जो इंस्टिट्यूट डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट हला माने तुमनको जदि देथिबे तुमे जो कॉलेज रे वर्तमान पुरुजो त कॉलेज माने जते एडमिशन कलो तो एठारे पिला माने तुम कॉलेज रो डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जदि देथिबे सेटा लागिबो हला ता सहित पिला माने मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ऑफ द स्टूडेंट माने तुमरो टेन क्लास है टेन क्लास सर्टिफिकेट तुमको लगे कहीं लगे पिला माने तो टेन क्लास तुमको खास कर डेट ऑफ बर्थ पे ही लगी थी है तो टेन क्लास मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ऑफ द स्टूडेंट जो स्टूडेंट अप्लाई करुच तो से स्टूडेंट टेन क्लास सर्टिफिकेट लगे ता सहित पिला माने मार्कशीट ऑफ लास्ट एग्जाम पास तो जो स्टूडेंट ये अप्लाई करुच तो मार्कशीट ऑफ लास्ट एग्जाम पास माने तुम्हें एवं बर्तमान कौन प्लस थ्री पे बर्तमान पढ़ुच ये 2024 पे तुम्हें जो इयर पढ़ु थाओना कहीं हाला फास्ट इयर था सेकेंड इयर था कि थर्ड इयर में फाइनाल इयर में था बर्तमान तुम्हें जी जो सेमिस्टर बर्तमान पढ़ु था तो तुम मार्कशीट ऑफ लास्ट एग्जाम पास मैंने तुम्हें प्लस टू पास आउट हो पाने तुम्हें बर्तमान प्लस थ्री करुच तो तुम प्लस टूर पे मार्कशीट एठे लगे ध्यान दिए पे समस्ते गोटे गलती कर कि तो पाने फास्ट सेमिस्टर हो गला फर्स्ट सेमिस्टर हो गला है कि सेकेंड सेमिस्टर हो गला कि थर्ड सेमिस्टर हो गला तो रिजल्ट बाहर तो से ग्रेडशीट को से अपलोड कर दे था तो जमारु ये भूल कर पाने तुमको ये 8000 टाँग पे तुमको मिलनी है तो सिंपली तुम पाने बोली जो मार्कशीट ऑफ लास्ट एग्जाम पास तुम्हें प्लस थ्री जेहे पढ़ु तुम्हें फर्स्ट इयर था कि सेकेंड इयर था कि फाइनाल इयर में पढ़ु था तुम्हें जो सेमिस्टर बर्तमान था तो लास्ट मार्कशीट ऑफ लास्ट एग्जाम पास जो कही तुम्हें प्लस टूर सर्टिफिकेट एठे ऑल डिटेल देव है तो ये पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप को लेकिन तुम्हें जब बेसी कमेंट कर स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस पे सठिक भाव में मुझे आसबि जब बेसी कमेंट आसब तो संपूर्ण भाव में पाने वीडियो जाणीगल पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप अप्लाई करने तो क्यों क्यों कैटेगरी स्टूडेंट मैंने अप्लाई करेंगे केते परसेंटेज दरकार केते टंका मिलिबो कौन कौन सब डॉक्यूमेंट्स लगे तार लास्ट डेटा के रही है तो संपूर्ण भाव में पाने तुमको बतईदेली निश्चित भाव में ये वीडियो भल लगे जब वीडियो भल लगे तो कौन कर तुमने जाच तुम सांगसाथी मानक निश्चित भाव में गोटे सेयार करदेव एपर्तंत जब लाइक करना गोटे लाइक निश्चित भाव में करदेव।